मध्य प्रदेश के विदिशा के ग्यारसपुर में नवजात शिशु को जिला चिकित्सालय के डॉक्टर ने लगाया एक्सपायर टीका। ग्यारसपुर जनपद के ग्राम लोहराराम निवासी मनोज सैन के नवजात शिशु को जिला चिकित्सालय के डॉक्टर ने एक्सपायर टीका लगा दिया। नवजात का हाथ काटने की नौबत आ गई। ग्यारसपुर तहसील के ग्राम लोहरारा निवासी मनोज सैन की पत्नी की डिलीवरी विगत दिनों जिला चिकित्सालय में हुई थी, जहां डॉक्टर के द्वारा मनोज सैन के नवजात शिशु को एक्सपायर टीका लगा दिया गया, जिसके बाद नवजात शिशु का हाथ काला पड़ गया। फिलहाल नवजात भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में उपचाररत है, जहाँ डॉक्टर द्वारा नवजात का हाथ काटने की सलाह परिजनों को दी गई है। उपरोक्त मामले की शिकायत जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन से भी की गई, जिस पर विदिशा कलेक्टर द्वारा बताया गया कि मामले की शिकायत हमारे पास आई है। बच्चे के उपचार संबंधी जानकारी हमीदिया हॉस्पिटल से ली गई है। डॉक्टर के विरुद्ध जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। ग्यारसपुर संवाददाता अनिश खान मंसूरी की रिपोर्ट। मामला मेरे संज्ञान में आया है। एक बच्चा जिसका जन्म 26 तारीख को जिला अस्पताल में हुआ था, बेबी ऑफ मिथिलेश करके है जिसका आइडेंटिफिकेशन। कल इनके परिजन आए थे और इसके बाद मेरी भोपाल में हमीदी अस्पताल में डॉक्टरों से भी चर्चा हुई थी। अभी इसका जो हाथ है, राइट साइड का हैंड जो पोर्शन है, हथेली के आसपास का थोड़ा सा कलाई का, वो नेक्रोसिस हो गया है, तो उसमें हो सकता है उसको हटाने की ज़रूरत पड़े। चूँकि एरिया डेड हो चुका है तो उसके हाथ के बचने के चांसेस कम हैं, पर इसमें परिजनों का जो भी कल शिकायत थी उस पर जाँच के आदेश दिए हैं। जाँच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।